बैडन सामुदायिक भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत से पहले दीप प्रज्वलित कर विधिवत आरंभ किया गया। लोक अदालत में कई विद्युत विभाग, राजस्व और नगर निगम से संबंधित कई मामले निपटाए गए। बैडन में कलेक्टर अरुण कुमार परमार, एडीजे अभिषेक सिंह, नगर निगम आयुक्त सत्येन सिंह ढाकरे की मौजूदगी में जिला न्यायालय परिसर व सामुदायिक भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। लोक अदालत में छूट के साथ बिजली विभाग, नगर निगम, दुकान किराया, भूभाटक, प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर इत्यादि बकाया राशि लगभग 3,50,00,000 रुपये की वसूली की गई। इस दौरान नगर निगम सिंगरौली उपायुक्त राजस्व आरपी बैस ने बताया कि लोक अदालत में छूट के साथ बकाया राशि जमा कराई गई। कि नालसा और सालसा के तत्वाधान में हर वर्ष 4 बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। नेशनल लोक अदालत का जो तात्पर्य ये होता है कि जितने भी केसेस जो कोर्ट्स में लंबित हैं या कुछ प्रीलिटिगेशन के केसेस हैं जो कोर्ट में अभी आने बाकी हैं, जो लेकिन कुछ दिनों में आ जाएंगे, उन केसेस का आपसी सुलह से निपटारा करना। और मैं यही चाहता हूं, मेरा संदेश जो सिंगरौली वासियों के लिए ये है कि नेशनल लोक अदालत में जो जितनी भी छूट मिलती हैं, जितने भी नेशनल लोक अदालत के फ़ायदे हैं, उनका लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में न्यायालयों में आके अपने केसेस का निपटारा करें। नगर निगम सिंगरौली की सीमा के अंतर्गत, चाहे वो संपत्ति कर हो, जल कर हो, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई मैटर हो, सभी प्रकार के जो भी प्रकरण हैं, जो विचाराधीन है, जिनमें दावे आपत्तियां लोगों के लगे हुए हैं, सभी का आज निराकरण हो जाएगा। और शासन की तरफ से जो सरचार्ज जो छूट दी गई है उसका भी सब लोग फायदा उठाएं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस मौके का भरपूर आप लाभ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा करा के नगर निगम को भी फायदा लें, साथ ही अपनी स्वयं की जो परेशानी अभी तक चल रही थी उनको भी आप दूर कर सकें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।